the video lecture on HTML. So this video lecture will be helpful to all those students who are doing their graduation right now from Delhi University and they have opted for e-commerce as their subject. So हम लोग ना basics of HTML start करेंगे. हम लोग एक simple सी document बना के देखेंगे सबसे पहले कि कैसे बनाते हैं. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है. धीरे धीरे करके हम चीज़ें सीखेंगे उसमें कैसे चीज़ें ऐड करते हैं. तो सबसे पहले तो बेसिक HTML डॉक्यूमेंट होती क्या है, एक बार वो बनाना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आपसे आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नोटपैड ओपन करिए अपने लैपटॉप्स में, ठीक है. नोटपैड ओपन करेंगे. सिंस आई एम यूजिंग अ मैक कंप्यूटर सो इसमें नोटपैड नहीं खोलूँगा मैं. इसमें आई हैव डाउनलोडेड इट सेपरेट एप्लीकेशन दैट इज़ कोड एडिटर, ठीक है. बट ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर यूजिंग अ विंडोज़ लैपटॉप कैन ओपन नोटपैड. अब नोटपैड कैसे खोलना है, नीचे जो सर्च बार आ रहा है वहाँ पर आप सर्च कर सकते हो. सर्च में आप लिख दो नोटपैड और उसको खोल लो तो सिमिलरली एक ऐसा ही डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, ठीक है, जहाँ पर आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो. चलो लेट्स मेक अ वेरी सिंपल डॉक्यूमेंट, ठीक है. तो हमें जब भी HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट करने हैं तो वी हैव टू राइट डाउन HTML. तो HTML से ही स्टार्ट होती है HTML डॉक्यूमेंट के. तो HTML टैग यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग हेड टैग यूज़ करेंगे, ठीक है. हेड टैग इज़ यूज टू डिफाइन कि भाई ये पेज किस टाइप का है या क्या क्या टाइटल देना चाहते हो आप इस पेज का. टाइटल टैग हम डालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं टाइटल ऑफ दिस पेज. इसमें हम टाइटल टैग अब बंद करेंगे. अब एक चीज़ याद रखना सब बच्चे कि भाई हमारे को जिस सीक्वेंस में हम टैग्स ओपन करेंगे, जैसे टाइटल टैग पहले ओपन किया है तो टाइटल ही पहले क्लोज होगा, उसके बाद कौन सा बंद होगा, हेड टैग, ठीक है. हेड टैग बंद करेंगे. तो ये ऑब्लिक का जो साइन है यहाँ पे हम लोग बंद करने के लिए वो यूज़ करते हैं, ठीक है. हेड टैग बंद करेंगे, उसके बाद हम लोग HTML टैग नहीं बंद करेंगे, ठीक है. HTML टैग बंद कर देंगे तो फिर तो डॉक्यूमेंट ही बंद हो जाएगी. बट अभी हमारे को कंटिन्यू करना है. अब हमारे को बॉडी टैग के पार्ट लिखना है, ठीक है. बॉडी टैग में क्या लिखना है, दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है. तो ये हमारे वेब पेज में लिख के आ जाएगा. बॉडी टैग हम बंद करेंगे, ठीक है. बॉडी टैग हमने बंद किया. अब कौन सा बचा लास्ट में, HTML. तो HTML टैग हमने बंद कर दिया. तो सिंपल सी एक डॉक्यूमेंट हमने बना के देख लिया. इसको एक बार सेव करते हैं. सेव करने का तरीका एक बार देखते हैं. तो सेव, यहाँ पे पूछ रहा है क्या नाम है, माय फर्स्ट पेज डॉट HTML. अब देखो HTML डॉट HTML एक्सटेंशन अगर आप बच्चों ने यहाँ पे नहीं यूज़ किया तो ये वेब पेज पे नहीं खुलेगा, यानी कि ये वेब ब्राउज़र पे नहीं खुलने वाला. तो यू हैव टू राइट इट डाउन जो भी आप नाम देना चाहते हो, लेकिन ये एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी है डॉट HTML. तो इसको लगाकर आप लोग इसको सेव करोगे कहाँ पर, डेस्कटॉप पे, ठीक है. सेव करेंगे डेस्कटॉप. जैसे ही आपने सेव करा तो यहाँ पर एक बन के आ गया आपके पास वेब डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है. इसको खोल के देखेंगे, ठीक है. तो ये देखो यहाँ पर आ गया है टाइटल. टाइटल देखो आपने बच्चों ने सबने लिखा था ना, हमने यहाँ पर एक छोटा सा टाइटल दिया था. ये देखो दिस इज़ द टाइटल ऑफ द पेज. तो ये टाइटल ऑफ द पेज कहाँ पे आता है, ये यहाँ पे आ रहा है टाइटल ऑफ द पेज. और दिस इज़ माई फर्स्ट पेज, बॉडी का पार्ट था तो बॉडी के अंदर आ रहा है. बॉडी वाले पार्ट में टाइटल बार में आ रहा है और बॉडी में दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज ये लिख कर आ रहा है. तो दिस इज़ द वेरी बेसिक HTML डॉक्यूमेंट जो आपको सबसे पहले बनानी सीखनी है, ठीक है. इसके बाद हम आगे इसको डिटेल में और कंटिन्यू करेंगे. सो लेट्स एंड द वीडियो ओवर हेयर. प्रैक्टिस यहाँ तक करते हैं आज के लिए.